लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एनीवे, फिर मैं मिसेस सोनिया के घर गया। उनके किसी मेड ने दरवाजा खोला, मिसेस सोनिया जी आई और सोनिया जी आई हा? तब आपने क्या किया? मैं क्या करने गया था? क्या करने गए थे आप? मैं आपको बता चुका मैं क्या करने गया था। देखिए, आपने नहीं बताया। मिस्टर मल्होत्रा, मैं बताता हूं आपको। मिलोर, जब सोनिया जी आई तो मिस्टर मल्होत्रा ने उनसे कहा, माय गॉड, यू आर लुकिंग रेविशिंग। मैंने इस तरह नहीं कहा जिस तरह आप कह रहे हैं। आप अंदाजे बयां छोड़ दीजिए, शायरी से मतलब रखिए। आपने कहा था कि नहीं कहा था? जी कहा था। बस बस, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोर। फिर क्या हुआ? जैसे मैंने मोबाइल के बारे में बात करना शुरू किया, सोनिया जी मेरे बगल में आके बैठ गई। बगल में? जी। उसके बाद उनके हस्बैंड का फोन आया, मुझे ठीक नहीं लगा, मैं उठ के साइड में चला गया। करेक्ट करेक्ट। कि अचानक सोनिया जी ने मुझे पीछे से आकर जकड़ लिया। मतलब, और मतलब कि मतलब अचानक आपकी इज्जत पे हमला हुआ अचानक? हाँ। तो आपने तो यूं धक्का देके सोनिया जी को हटा दिया होगा? हाँ। जी नहीं, आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और वो सोनिया जी मुझे पागलों की तरह किस करने लगी। एक मिनट। माने आप शॉक होकर यूं ऐसे स्टैच्यू की तरह खड़े हैं और सोनिया जी आपको ऐसे चूम रही है, किस करे? यू मीन टू से दैट? मैंने कहा ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, आई वॉज एब्सोल्युटली कंफ्यूज। ताजमहल है आप? ताजमहल? यस मिलोर, लोग ताजमहल देखने जाते हैं और उसकी नक्काशी को पेट भर के चूमते हैं, और वो बेचारा छटपटाता है, कह भी नहीं पाता, ए रूहे शाहजहां, मुझे इस चुम्मा चाटी से बचाओ। ऑर्डर ऑर्डर। फिर क्या हुआ? और उसके बाद उन्होंने मुझे खींच के नीचे गिरा दिया। क्या 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 क्या? उन्होंने मुझे खींच के नीचे गिरा दिया। मिसेस सोनिया ने आपको खींच के नीचे गिरा दिया? मिसेस सोनिया ने? और उसके बाद वो मुझे किस करने लगी। हा, आप क्या कर रहे थे? जी मैंने कहा ना, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? यही कि मैं क्या करूं। हाँ, कहां कहां चूम रही थी? जी मुंह पे और कंधे पर। बस सिर्फ मुंह पे और कंधे पे? मुंह पे और कंधे पे? आप तो जमीन पर लेटे हुए थे, वो तो आपके पूरे बदन को चूम सकती थी। जी मैं नीचे नहीं था, सोनिया नीचे थी और मैं सोनिया के ऊपर था। एक मिनट मिलोर। माने आप ऊपर थे है? जी। और सोनिया जी नीचे थी? जी। मिलोर, ये माने जिसका रेप हो रहा है वो ऊपर है और जो रेप कर रही है वो नीचे? ये इस केस की तरह ये रेप भी बिल्कुल नई स्टाइल का है, ऊपर नीचे। एनीवे, तो आप क्या कर रहे थे पड़े पड़े? जी बोलिए 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 बोलिए, आप भी तो कुछ कर रहे होंगे ना, क्यों ऐसे बोझा बन के लदे हुए थे उनके ऊपर? जो कुछ हो रहा था वो इतना ज्यादा हो चुका था, मेरे सेंसेस काम करना बंद कर दिए और मैं बहक गया। That's it, my lord. ये इंसान बहक गया था। Point to be noted, बहक गया था। फिर सोनिया जी ने मेरे शर्ट के बटन खोले, गले में जो मेरे लॉकेट था वो बाहर आ गया, जिसके अंदर मेरी बीवी की तस्वीर थी। मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ हो रहा गलत हो रहा है, और मैं झटके से खड़ा होकर जाने लगा। माने अगर लॉकेट नहीं देखते तो क्या जमीर नहीं जागता? आई ऑब्जेक्ट योर ऑर्डर। ओके ओके ओके, थैंक गॉड मिलोर, तो आखिरकार इनका जमीर जाग उठा। गुड, फिर क्या हुआ? मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी, वो चिल्लाने लगी और मैं वहां से चला गया। मतलब आपने अपनी इज्जत बचा ली। गुड, बाद में आपने क्या किया? आपने सीधा मिस्टर रॉय को फोन किया होगा कि मिस्टर रॉय आप अपनी बीवी को संभालिए, ये किया आपने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? सर, सोनिया ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं उनकी गलती को दुनिया के सामने लाकर उन्हें बदनाम नहीं करना चाहता था। तो फिर आपने ये केस क्यों किया? इसलिए कि मिस्टर रॉय ने मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट का इल्जाम लगाकर मुझसे रेजिग्नेशन मांगा, वरना मैं ये केस नहीं करता। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने ये बात किसी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप खुद गुनहगार हैं। नहीं मिलोर, मैं इस बात को अदालत में प्रूव करके रहूंगा। मैं मिस्टर मल्होत्रा की सेक्रेटरी जैनी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है? गुड मॉर्निंग जैनी।
मिलोर घर में बीवी और ऑफिस में सेक्रेटरी, बड़े क्लोज कंपेनियन होते हैं, यू नो दैट। ये बताइए, जब ये सुबह आपसे मिलते थे तो आपको विश करते थे? जी। कैसे? इनके हाथ में न्यूज़पेपर, फाइल्स, जो कुछ भी होता था वो पीछे मारकर विश करते थे। हाँ, पीठ पे मारते होंगे। गुड मॉर्निंग जेनी। नहीं। तो कहाँ? पीछे। पीछे? पीछे तो बहुत सारी जगह है, पीछे कहाँ? यहाँ बम्पर। बम्पर? बम्ब? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पटेल साहब भूल रहे हैं कि एक लेडी से किस तरह से बात करनी चाहिए। मैं किस तरह से बात कर रहा हूं? शरीर के जिस अंग को ये अंग्रेजी में बोल सकती हैं, उसे राष्ट्रभाषा में नहीं बता सकती? ऑब्जेक्शन ओवररूल। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, जहां तक मेरे अंग्रेजी ज्ञान का सवाल है, ये जिसे बम कहती है उसे हिंदी में पुष्ट कहते हैं। पुष्ट, पुट्ठा, नितंब। हम पुट्ठा पकड़ के चलते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, इनके पुट्ठे पर पेपर, फाइल, ब्रीफकेस, माने जो हाथ में आया वो लेकर मारते थे। बाद में गुड मॉर्निंग बोलते थे, माने पहले टपाक गुड मॉर्निंग, टपाक गुड मॉर्निंग। खैर, मुझे ये बताइए, ऑफिस में मर्दों के साथ ये गुड मॉर्निंग कहने के लिए उनको कहां कहां मारते थे? जी, वो उनसे हाथ मिलाकर विश करते थे। इतना भेदभाव, इतना डबल स्टैंडर्ड मिस्टर मल्होत्रा, ये तो सरासर नाइंसाफी है मिलॉर्ड। मर्दों से हाथ मिलाते हो, लड़कियों को पुट्ठे पे मारते हैं। दिस इज नॉट डन। नो, यू मे गो नाउ मिलॉर्ड। तो ये है मिस्टर राज मल्होत्रा का कैरेक्टर। दैट्स ऑल मिलॉर्ड, थैंक यू। मिस्टर चोटरानी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं मिसेस सोनिया रॉय को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मिसेस सोनिया रॉय, जैसा कि मेरे क्लाइंट मिस्टर राज मल्होत्रा ने बताया कि एनुअल डे पर जो वो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पोस्ट थी सीईओ की। आपने उन्हें डायरेक्टर बना दिया, क्यों? मैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड से इंप्रेस हुई थी। 20 जनवरी को तो आप पहली बार कंपनी में आई थी और प्रमोशन लिस्ट भी आपको उसी वक्त डायस पर मिली थी। फिर आपने मिस्टर राज मल्होत्रा का सर्विस रिकॉर्ड कब और कहां देखा? मैंने उनके बारे में अपने हस्बैंड से पूछा था। कब? जी, उसी दिन जब प्रमोशंस अनाउंस होने वाले थे। इस डिस्कशन में कितना टाइम लगा? 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा? 10 सेकंड। Did I hear 10 seconds? Yes. 10 सेकंड में आपके हस्बैंड ने आपको राज के सर्विस रिकॉर्ड की जानकारी दे दी और आपने फौरन इंप्रेस्ड होकर लिस्ट में से दूसरे का नाम हटाकर वहां लिख दिया राज मल्होत्रा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। पटेल साहब, आपने भी सुना कि नहीं सुना? मिसेस रॉय, उसके बाद क्या हुआ? दूसरे रोज शाम को मिस्टर राज मेरे घर आए और फिर उन्होंने मुझसे मोबाइल फोन के फॉल्ट की बात की। मैंने कहा ठीक है, प्रोडक्शन बंद करवा दो। तभी मेरे हस्बैंड का फोन आया। मैं उनसे बात ही कर रही थी कि अचानक उन्होंने पीछे से आके मुझे पकड़ लिया। फिर तो आप चीख पड़ी होंगी। जी। फिर तो आपकी चीख आपके हस्बैंड ने भी सुन ली होगी। तब तक फोन बंद हो चुका था। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप फोन पर बातचीत कर रही थी। हाँ, लेकिन तब तक मैंने फोन बंद कर दिया था। आप हेल्प के लिए चिल्लाई? जी, लेकिन उस वक्त घर पे कोई नहीं था। उस नौकरानी का क्या हुआ जो पानी लेकर आई थी? उसको कोई जरूरी काम था, वो छुट्टी लेकर चली गई थी। और बाकी के नौकर? मैंने तो सुना है कि आपके घर में आधा दर्जन नौकरों की फौज है। वो सब छुट्टी पर थे। काहे की छुट्टी पर थे मिसेस रॉय? 21 जनवरी को ना तो 26 जनवरी होती है और ना ही 15 अगस्त, ना होली, ना दिवाली, ना ईद, ना बैसाखी, ना क्रिसमस। काहे की छुट्टी पर थे मदाम? कुछ पर्सनल काम भी तो हो सकते हैं। ओह यस यस यस, मतलब एक साथ सबकी माएं भी बीमार पड़ सकती हैं। ये ना सोचा आपने कि पानी कौन पिलाएगा, घर का काम कौन करेगा, ड्रिंक कौन सर्व करेगा?
ऑलराइट मिसेस रॉय, मिस्टर राज ने आपको जमीन पे लेटाकर फिर क्या किया? फिर वो मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर राज आपके ऊपर थे या आप मिस्टर राज के ऊपर? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मिस्टर राज मल्होत्रा कबूल कर चुके हैं कि वो सोनिया जी के ऊपर थे, अब फिर से ऊपर नीचे का सर्कस क्यों शुरू कर रहे हैं? चोटरानी जी, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, कट्टा खरबूजा ही है, आपको मालूम होना चाहिए। पटेल साहब, मुझे मालूम है कि मैं वकील हूँ, कोई खरबूजा काटने या बेचने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पटेल साहब, मैं इतनी जानकारी रखता हूँ कि ना तो खरबूजा अपने आप चाकू पर गिरता है और ना ही चाकू अपने आप खरबूजे को काटता है। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, कोई फ्रूट मार्केट नहीं। आप लोग खरबूजे की लड़ाई छोड़कर मुद्दे की बात कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि क्या मिस्टर राज रेप अटेम्प्ट करना चाहते थे या मिसेस सोनिया रॉय उन पर सेक्सुअल असॉल्ट करना चाहती थी। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच मिसेस रॉय, यू मे गो नाउ। योर ऑनर, मिसेस सोनिया रॉय का राज की पर्सनालिटी से इंप्रेस होना, उसे डायरेक्टर बनाना, सारे नौकरों को छुट्टी दे देना, अकेले घर बुलाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि खरबूजा खुद चाकू को मजबूर कर रहा था कि आ काट कम एंड स्लाइस मी।